अगर गुरु महाराज जी का सत्संग अगर एक ट्रेंड है तो ठीक है ना, अपनाइए ना इस ट्रेंड को, अच्छे से अपनाइए, और हर घर घर में इस ट्रेंड को अपनाना चाहिए। कम से कम इस ट्रेंड को अपना के 2 घंटे की मानसिक शांति तो मिलती है, हमारे पाप तो कटते हैं, हमारे कष्ट तो कटते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिए ना ऐसे ट्रेंड को। आप जाते हो सत्संग में, आप दूसरों को नोटिस करते हो, वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो हंस रहा है, वो बोल रहा है, वो फ़ोन उठा रहा है, तो फिर आपका कनेक्शन कहाँ से बना गुरुजी के साथ? आप तो दूसरों को खोज रहे हो, उनकी कमियाँ खोज रहे हो। कनेक्शन बनाने का मतलब अपनी आँखें बंद कीजिए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी को मत देखिए वो क्या कर रहा है, खुद एक्स्ट्रा मत कीजिए किसी का, उनका एक्स्रा करने के लिए गुरुजी बैठे हैं ना, वो कर रहे हैं उनका एक्स्रा। आप अपने एक्स्रा मशीन को बिल्कुल ऐसे सेट रखिए ताकि आपकी कोई कमी नज़र ना आए, आपका ढांचा एकदम सही हो, गुरुजी को कोई कमी खामी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए खुद पे ध्यान दीजिए, दूसरों पे नहीं। दूसरा क्या कर रहा है देख रहे हैं गुरुजी, उसने क्या पहना है, वो क्या खा रहा है, वो फ़ोन पे, हाँ डिस्टर्बेंस ज़रूर होती है मैं मानती हूँ, बट जब आप खो गए हैं, डूब गए हैं, आपको तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। आप ध्यान मगन होंगे तो इसलिए ध्यान मगन होइए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। बार बार कहती हूँ गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, बस ज़्यादा नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का मतलब है कि आपको पता भी नहीं होगा आपके साथ वाला क्या कर रहा है, आपके ऊपर से सांप भी रेंग जाएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा आत्मा का आत्मा से मिलन है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है आत्मा का आत्मा से मिलन, हमारी आत्मा गुरु जी से जुड़ी हुई है, गुरु जी के चरणों में पड़ी हुई है, तो हमें होश ही नहीं है हम कहाँ हैं, हम डूबे हुए हैं, हम खोए हुए हैं, तो हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। विश्वास करिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में ही फ़ायदा है, कोशिश है आप सबका डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाने का नहीं, सॉरी गलती हो जाती है, बीइंग ह्यूमन इंसान हूँ, मेरी एक कोशिश है आपको गुरु महाराज से डायरेक्ट जोड़ने की, ताकि आपको इधर उधर पूछना ना पड़े। मेरे को भी टाइम लगा, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही थी कि नहीं बन पाता, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, बट कोशिश कीजिए, हमें सिखाने वाला कोई नहीं था, हमने सीखा, वो आपको सिखा रहे हैं, उनके थ्रू ही हम आप तक पहुँचा रहे हैं ना, उन्होंने हमें सिखाया है, तो इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए प्यारी संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन। हमेशा मुँह से बोलिए जय माता दी जय गुरु जी, हाजरी लगानी है ये दोनों लाइनें बोल के, जय माता दी जय गुरु जी। रात के 12:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाने का कोई टाइम नहीं होता फ्रेंड्स, जब आपका थोड़ा मूड फ्रेश हो तो वीडियो बनाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाना है, लोगों तक जाना है, मेरे परिवार की तरफ जाना है, तो मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो देख के दुखी हूँ। बट हाँ, बीइंग ह्यूमन मैं आपको बता दूँ, कभी कभी ना इंसान बहुत अकेला फील करता है, ऐसा नहीं कि परिवार में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर कोई अकेला फील कर रहा है तो शायद उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है, शायद ये इसीलिए इतनी रात को वीडियो बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, कभी कभार अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच के, अपने बारे में सोच के कि हमने इतनी ज़िंदगी क्या किया, कुछ सोच विचार ऐसे दिमाग में आ जाते हैं कि हम उदास होते हैं, हम अकेले होते हैं, तो मैं भी इसी वक्त आज पता नहीं क्या हुआ तो इस वक्त थोड़ा सोच रही थी, उदास हो गई, अकेला सम फील कर रही थी, और तभी ये जक्कास वाला मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का आया मैसेज, जिसने मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया, मैं हूँ ना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारे गुरु जी बोलते हैं मैं हूँ ना, जब तू सारियाँ टेंशन ते चिंता मैनू दित्तियां हुई मेरी झोली च पाई तो फिर तू क्यों परेशान होंदी है, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। प्यारे गुरु महाराज जी का ये जो हौसला देने वाले ये जो मैसेज आते हैं ना संगत जी, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है उसका जो आंसर थ्रू टेलीपैथी आपको आता है ना, तो वो सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, वो हमारे लिए होता है, जो हमारे दिल में दिमाग में जो सवाल चल रहे होते हैं ना उनका जवाब होता है। तो ऐसी हिम्मत, ऐसी चुस्ती आती है, फिर मैं वक्त नहीं देखती, फिर मेरे को यही होता है कि आप लोगों तक पहुंचाओ, ताकि आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नेगेटिव ना हो, क्योंकि
देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं हो जाती थी और आज भी कभी कभार होती हूँ, बट हाँ 90% नहीं होती, 10% वही बीइंग ह्यूमन हो जाती हूँ। बट बिलीव मी संगत जी, बिलीव मी माई यूट्यूब फैमिली, जब उन पर डोरी छोड़ दी है ना, निशुल्क कोई पैसा नहीं, बिना टेंशन मत लो, बस उन पर छोड़ दो अपनी ज़िंदगी, हमें उनको कुछ नहीं बताना, अपने गुरु महाराज को हमने अपने बारे में कुछ नहीं बताना, बस उनके सामने खड़े होना है, उनसे बातें करनी है, वो हमारी बॉडी का खुद ही एक्सरे कर लेंगे कि इसको कौन सा पूजा इसका ढीला है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है इसकी लाइफ में, बच्चे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हस्बैंड की प्रॉब्लम है, या वाइफ की प्रॉब्लम है, या पड़ोसियों की प्रॉब्लम है, जो भी है उनके सामने हमारे एक्सरे खींच के आ जाएंगे, हमारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, हमारे पेट के अंदर की भी रिपोर्ट उनके पास पहुँच जाएगी। बस इस बात पर विश्वास रखिए, डामाडोल मत होइए, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार होती थी संगत जी, मैं खुद की बात बता रही, बट अब अनकंडीशनली करती हूँ बिलीव अपने प्यारे गुरु महाराज पर। तो अभी का ये था मेरा एक थॉट कि जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जब से हम गुरु संगत से जुड़े हैं, गुरु महाराज से जुड़े हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में रह रहे हैं ना, तो हमें पार्टियाँ, जश्न ये सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है तो सिर्फ सत्संग, जैसे कि एक आंटी ने पिछले दिनों बोला एक सत्संग में कि आजकल तो ट्रेंड चल गया है, तो ये मेरे को लगता है ये ट्रेंड ज़्यादा अच्छा है। भले ही हम चाहे 10 मिनट ही गुरु चरणों में सच्चे दिल से लगाएं, बट ये हमारी हाजिरी, हमारी अटेंडेंस लगती है, तो ऐसे ट्रेंड्स को बढ़ावा दीजिए। पब, क्लब, किट्टी, इनमें जाके हमें कुछ नहीं मिलना, या एक दूसरे को जान के हमें कुछ नहीं मिलना, तो इससे बेटर है ना गुरु दरबार में आइए और अपनी आँखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल भी मत देखिए किस आंटी ने क्या पहना है, कौन सी आंटी बातें कर रही है, कौन क्या कर रही है, जो करेगा वो अपने कष्ट बढ़ाएगा, जो मतलब गलत करेगा। तो जो बिल्कुल कनेक्ट होके गुरु जी से जुड़ के हाजिरी अपनी लगाएगा, तो वो अपने कष्ट कटवाएगा, उसके कम होएंगे। तो ये आपके हाथ में, आपको अपने कष्ट कटवाने हैं या कम करवाने हैं या बढ़ाने हैं, तो ये आपको सोचना है, आपको क्या करना है। हमें किसी पे ध्यान नहीं देना कि वो सत्संग ध्यान से सुन रहा है कि नहीं, अगर हम उस पे ध्यान देंगे तो इट मीन्स कि हमने ही अभी कनेक्शन नहीं बनाया गुरु जी से, हम तो दूसरे पे ध्यान दे रहे हैं। भाई दूसरे को दूसरे पे छोड़ दो, हाँ जब सत्संग शुरू होता है उसे पहले से ही समझा दो कि ये रूल्स हैं कुछ सत्संग के, कि हमें बीच में नहीं बोलना है, डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाना है, शोर नहीं डालना है, हमें मुँह से आवाज़ नहीं निकालनी है, हमें ताली नहीं बजानी है, बस आंखें बंद करके मंद ही मंद मुस्कुराते हुए उस गुरु महाराज से अपने मन की बातें शेयर करनी है, वो हमें हमारी हर बात का जवाब देंगे। मैं सच्ची कह रही हूँ, वो हर बात का जवाब देते हैं। अभी लेटेस्ट मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले, तो तभी मैंने उसके बाद वीडियो बनाना शुरू की बिना टाइम देके। मैंने कहा टाइम का क्या है, मेरा काम है अपने परिवार तक वीडियो पहुँचाना, तो कभी पहुँचा सकती। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ सोने, और जब तक मैं सोती हूँ तब तक आपको क्या करना है, अगर आप सोए नहीं हैं तो, अगर सो गए हैं तो कोई चिंता नहीं, अगर सोए नहीं हैं जगे हैं तो जिन जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो सके। आप मेरा सच्चा परिवार हो, मेरे सच्चे साथी हो, ये गुरु परिवार है, वो जो गुरु जी की दी हुई देन है मुझे, ये जो आपका प्यार मुझे मिला हुआ है, तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली, आपका प्यार और विश्वास ही मेरी जीत है, सच्ची जीत है। तो मुझे ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, मेरा हाथ पकड़िए, हमेशा कहती हूँ बंद मुट्ठी एक कीजिए, हमेशा मेरा हाथ पकड़िए, मेरा साथ दीजिए, और इस साथ को तोड़ना, इस साथ को कभी मत तोड़ना प्लीज़, अकेली पड़ जाएगी आपकी अनुराधा, आपके बिना मैं अकेली हूँ। तो मिलती हूँ सुबह मॉर्निंग में, जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, और आज का ये जो सत्संग है हमारी बहुत ही प्यारी ज्योति आंटी जी हैं उनके घर में है, तो सारी गुरु बहनें मिलके गुरु महाराज जी का कर रही हैं, आंटी जी के साथ मिलकर स्वागत वेलकम बैंड चल रहा है। और संगत जी मैं आपको बता दूं, मैं ज्योति आंटी जी के घर नहीं पहुंच पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जान जूं कह लीजिए कि गुरु जी का आज कोई बुलावा ही नहीं था मुझे, शायद हल्का फीवर था और हेडेक हो रही थी और भी अंदर इंटरनल थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी जिस कारण मैं जा नहीं सकी, पर मेरी गुरु बहनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से गुरु महाराज जी का सत्संग किया, ज्योति आंटी के घर बहुत ही सुंदर दरबार सजाया, जय गुरु जी। रात को गुरु जी मुझे और बोलते हैं जब तेरे घर में सत्संग हो ना
मुझे कॉफी का भोग मैं भी सच नानक हो सी भी सच। तो गुरु महाराज की ज्योत जला रही हैं प्यारी ज्योति आंटी जी, और गुरु महाराज जी इनके घर में डेरों खुशियां दे, बरकत लाए। ज्योति आंटी की जो भी परेशानी है गुरु महाराज जी ठीक करें आप, सुख शांति दें, उनके घर में बरकत डालें, उनकी हर दुख तकलीफ का अंत करें, उनको तंदुरुस्ती बख्शें। और बहुत ही खुश हैं आज ज्योति आंटी, और बहुत बार उन्होंने मुझे भी याद किया है, और मेरी भी बहुत इच्छा थी संगत जी पर नहीं जा सकी मैं। तो ज्योति आंटी जी मुझे क्षमा करना, मैंने पूरी तैयारी बनाई थी लेकिन सेहत ठीक होने के कारण मैं आपके घर नहीं आ सकी। तो शुक्राना मेरी प्यारी गुरु बहनों का जिन्होंने इतना अच्छा ज्योति आंटी का साथ दिया, उनके घर में सत्संग किया, गुरु महाराज जी के दरबार में हाजिरी लगाई, इतना सुंदर चोला गद्दी बिछाई, गुरु महाराज जी के घर दरबार को सजाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही मनमोहक प्लेलिस्ट चल रही है संगत जी, दिल को छू लेने वाले भजन चल रहे हैं, और भजनों की श्रृंखला पूरी होने के बाद अब हो रहा है गुरु मंत्र का जाप। और संगत जी एक मिस्टेक हो गई है, हमारी गुरु बहन ने कोशिश की लेकिन उनसे थोड़ी वीडियो गलत बन गई है, उन्होंने कैमरा स्ट्रेट करके फ़ोन को स्ट्रेट करके वीडियो बना दी है, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा संगत जी, क्योंकि वीडियो आपको छोटी शो होएगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो आरती हो गई है और गुरु बहनों ने भी मिलकर की है आरती, और मेरे नाम की भी हाजिरी लगा ली है उन्होंने, और उसके बाद होगा अब लंगर प्रसाद और उसके बाद ऐश। रात को गुरु जी मुझे दिखे और बोलते हैं जब तेरे घर में सत्संग हो ना, तब मुझे कॉफी का भोग लगा, मुझे कॉफी बहुत अच्छी, इसलिए मैंने कॉफी का भोग लगा। प्यारी संगत जी, ये जो वक्त आता है ना, तो ये सभी के लिए बहुत ही खुशी का पल होता है, जब गुरु महाराज जी कराते हैं अपने बच्चों को ऐश, और बहुत ही अच्छा ये लम्हा होता है, बहुत ही अच्छा ये वक्त होता है, जब हम पूरी दुख तकलीफ़ें अपने शारीरिक कष्ट भूल के गुरु जी के नाम में उनके रंग में, क्या कहूँ मैं, उनके रंग में मगन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, और ऐश करते हैं, गुरुजी अपने बच्चों को ऐश कराते हैं ताकि उनके शारीरिक जितने भी कष्ट हैं वो मिट सके। और ऐश कराने का मतलब है कि गुरुजी हमारी बॉडी का एक्सरा करते हैं, इसलिए वो हमें नचाते हैं इस तरह, ताकि हमारे शारीरिक जो कष्ट हैं, रोग बीमारियां हैं, दुख तकलीफें हैं, वो दूर हो सके। काश मैं भी उधर होती तो ज़रूर अपनी बॉडी का एक्सरा करवाती, और गुरुजी मेरे भी रोग बीमारियां, दुख तकलीफें दूर करते। अफसोस है गुरुजी आज मुझे बुलावा नहीं आया, लेकिन मैं अपने गुरु परिवार और अपनी प्यारी ज्योति आंटी को ऐसा देख के बहुत ही खुश होती हूँ संगत जी। मुझे खुशी मिलती है जब सारे इस तरह से मस्त होके, लीन होके गुरु रंग में रंग जाते हैं, ये बहुत ही हसीन पल होता है, बहुत ही खुशी का पल होता है, ना कोई द्वेष, ना कोई तकलीफ़, ना कोई कष्ट, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से जलन, बस सबके मुख पे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे गुरु जी यही सिखाते हैं हमें, आपस में प्यार करना, एक दूसरे को मान सम्मान देना, निंदा चुगली से दूर होना, और किसी को कष्ट ना पहुंचाना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, जब तुसी मेरे को आंदे हो तो अपने दिमाग ते अपने अहम नू उत्थे छड़ के आया करो जिते तुसी जुत्तियां लांदे हो। तो जब हम जहाँ जुत्तियां लान अपनी उतारते हैं तो वहाँ ये सब छोड़ के आते हैं, तो हमारे साथ हमारे अंदर जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाता है एक मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल निर्मल है, गंगा जल की तरह साफ़ सुथरा है, उस गंगा जल की तरह पवित्र है, उस गंगा जल की तरह जिसके मन में कोई द्वेष, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ है तो गुरु महाराज जी के साथ बनाया हुआ उसका कनेक्शन, एक दूसरे के प्रति प्यार,
रिस्पेक्ट, मान इज्जत, सम्मान। और कहते हैं ना संगत जी, जो हम किसी को देंगे वही हमारे पास लौट के आएगा। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी लड़खड़ा रही हूँ। मेरे बोलने से ही आपको पता चल रहा होगा, तो जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो रही हो संगत जी, तो अपनी इस अनुराधा को माफ़ करना। और जिन जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है संगत जी, प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और अपनी अनुराधा का साथ दीजिए। हमेशा कहती हूँ, आपके साथ के बिना आपकी अनुराधा अधूरी है। गुरु जी का साथ तो है ही, बट आप परिवार का साथ भी मुझे चाहिए। और उम्मीद है कि मैं कल तक होश में आ जाऊंगी और नेक्स्ट सत्संग में मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। जय गुरु जी।